बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में खुशामदीद है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और आज हम कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइजेस जो कि तालिब इल्मों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस अगर हो तो उसकी तरतीब क्या होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें आप देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कि सेंटेंस में आई और वी सब्जेक्ट के तौर पे हों तो उसके साथ शैल यूज होता है और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। रिमेंबर, सिर्फ आई और वी के साथ आप शैल यूज करते हैं और ही, शी, इट, दे, यू इन सब के साथ विल यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हर हाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आई और वी को याद रखने की जरूरत है। नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, नेगेटिव के लिए सिर्फ आपको शेल, जैसे शेल यहाँ पे था तो इसके साथ नॉट ऐड कर देना है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा बनाने को नेगेटिव। और विल जो है उसके बाद भी आपने नॉट यूज कर देना है, तो आई और वी के साथ शेल, बस ये याद रखना है, बाकी सब के साथ विल। क्वेश्चन बनाने के लिए आपने क्या करना है, इंट्रोगेटिव, you have to just add shall in the beginning, शुरू में shall, then I, we, then verb की first form and then objective, question mark at the end, and then will, he, she, it, they, you के साथ verb की first form, object and then question mark. Question है तो question mark आपने जरूर लिखना है। Let's practice now. Question आता है change into positive sentences और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आपने क्या करना है, आपको वर्ब दिया गया होगा, आपने याद रखना है आपके अगर शाहिद क्या है, अगर इसके हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही होगा, तो ही के साथ शैल या विल, बस ये आपने सोचना है कि वो भी आप सब्जेक्ट हैं ये जो शुरू में, इनके मुताबिक आपने सोचना है कि मैंने शैल यूज करना है या विल यूज करना है। तो अगर आई और वी नहीं है तो आपने विल यूज करना है, अगर आई और वी है तो आपने शैल यूज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ये शाहिद ब्लैंक द टॉस, शाहिद विल विन द टॉस, फर्स्ट फॉर्म और विल यूज किया। कीप डूइंग दिस वे, यू कैन पॉज इट और एंड पे आंसर दे सकते हैं, हमें साथ साथ करते रहिए। नेक्स्ट है दे ब्लैंक टू पाकिस्तान, मूव इज अ वर्ब, सो व्हाट विल बी द आंसर, they will move to Pakistan, will use kiya, move is the first form। We blank English next week, learn, the verb is learn, so we shall learn English next week। Sana blank you next Sunday, see is the verb, to kya hoga, Sana will see you next Sunday। सी का मतलब मिलना होता है, सो सी यू, जैसे हम कहते हैं फिर देखेंगे, मुलाकात, फिर मुलाकात होगी, सना विल सी यू नेक्स्ट संडे। इट ब्लैंक होल वीक, रेन, रेन यूज करना है हमें, इट विल रेन होल वीक, पूरा हफ्ता बारिश होगी, और इट के साथ भी विल है आप देखें। देन वी लॉन्ड्री टुमारो, डू, लॉन्ड्री कपड़े धोना, तो क्या होगा, वी शैल डू लॉन्ड्री टुमारो। आई ब्लैंक फॉर स्कूल ऑन टाइम, लीव, आई के साथ क्या यूज होना है, विल के शैल, परफेक्ट, शैल, आई शैल लीव फॉर स्कूल ऑन टाइम। द टीचर ब्लैंक द क्वेश्चन, राइट, द टीचर विल राइट द क्वेश्चन। And you blank your story with us, share, share verb use करना है, so you will share your story with us। That was positive, now come to the negative sentences। कि अगर negative बनाने हों, ये same sentences हैं तो अब आप देखेंगे negative बनाना कितना आसान है, shall या will कोई भी हो उसके साथ अपने not add कर देना, that's it, after them, इनके बिल्कुल फौरन बाद shall और will के आपने not लगा देना है, आंसर आ जाएगा। शाहिद विल विन द टॉस, तो क्या होगा, नॉट दरम्यान में आ गया, शाहिद विल नॉट विन द टॉस। नेक्स्ट में देखें, दे विल नॉट मूव टू पाकिस्तान, नंबर 3 में वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश नेक्स्ट वीक. Sana will not see you next Sunday. It will not rain whole week. We shall not do laundry tomorrow. I shall not leave for school on time. The teacher will not write the question. You will not share your story with us. So it's very easy. नेगेटिव बनाना तो बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपने पॉजिटिव के दरमियान में वर्ब और विल शैल के दरमियान में नॉट ऐड कर देना, बल्कि विल और शैल के फौरन बाद. एंड नाउ चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. क्वेश्चन बनाने हैं इन सेंटेंसेस के, सवाल या जुमले बनाने हैं. शाहिद विल अपोज हिम, तो कैसे होगा क्वेश्चन? विल शाहिद अपोज हिम, अगर आपने याद रखा और शुरू में मैंने रूल बताया था उसी को आपने इम्पोज करना है यहाँ पे. फर्स्ट ये विल बाहर निकल आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क. और बस ये याद रखें कि दोबारा रिपीट ना हो जाए अंदर सेंटेंस के अंदर. बाहर लिख दिया तो अब अंदर नहीं आना चाहिए दोबारा. रिमेम्बर दैट. दे विल मूव टू द अदर सिटी सून. क्वेश्चन वुड बी विल दे मूव टू द अदर सिटी सून. We shall write an English essay. Shall we write an English essay? Sana will see her aunt next Sunday. Will Sana see her aunt next Sunday? It will snow heavily tomorrow. Question would be, will it snow heavily tomorrow? I shall go for shopping with my sister. Shall I go for shopping with my sister? एक और बात कि कई दफ़ा क्वेश्चंस जो हैं उनमें वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ होता है. अगर वो बनानी हो आपने क्वेश्चन तो इनसे पहले आपने वो वर्ड्स ऐड कर दे देनी है. फर्ज किया यहाँ पे है आई शैल गो फॉर शॉपिंग विद माई सिस्टर. व्हेन यूज़ करना हो तो व्हेन शैल आई गो फॉर शॉपिंग विद माई सिस्टर. बस इसी तरह से आप इसको क्वेश्चन बना सकते हैं. तो आई होप के आपको समझ आई होगी. अपने फ्रेंड्स के साथ आप जल्दी से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.